ना बिल्कुल नहीं, जिलाधीश महोदय ने ऐसी जाति की है, ऐसी जाति आज तक किसी जिलाधीश ने किसी जिले में कहीं की नहीं होगी, और ना इस तरह से पूरे यूपी में कहीं आवास विकास को पोजेशन मिला होगा जैसा कल निर्भयता के साथ यहाँ दिलवाया। अब वो होंगे ईमानदार, हमारे लिए तो वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल सुनते होंगे, जिनकी सुनी होगी बड़े धार्मिक होंगे, लेकिन हमारे लिए तो रावण का अवतार है। हमने उनको कुरी ला के दे दी, केस हमारा हाईकोर्ट में चल रहा है, केस का निर्णय नहीं हुआ है, उसके बावजूद हमारी बात को ना सुनना, फाइल को फेंक देना, हाँ सरासर हाई कोर्ट तक की अवमानना है। हाँ धर्मेंद्र ना, धर्मेंद्र कश्यप से हमारी बात नहीं हुई भोपाल, धर्मेंद्र शाक्य से हमारी दो बार बात हुई, उनका मैं लखनऊ में हूँ और डीएम फोन नहीं उठा रहे हैं, इतना कहीं छुट्टी हो गई। बस यहाँ हमें किसी नेता से और किसी अधिकारी से हमें कोई आशा नहीं है, हमें आखिरी कल का मेरे ख्याल में 1.5 करोड़ रुपए की फसल का नाश हो गया, कल 450 बीघे जमीन की फसल। ये ऐसी ऐसी एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते, वैसे ऐसे लोग काफी हैं, हाँ कि जो भूमिहीन हो जाएंगे, जो अपने भैंस पालते थे उनमें अब कुछ नहीं रहा, कहा उनकी अब वो किसी की मान्य। भाभी कितनी जमीन है अपनी यहाँ? मेरी हाँ, मेरी है 12 एकड़, और भी कहीं है? और भी है, पूरी एक चक यहाँ 12 एकड़, 12 एकड़ का। आप कितनी बची इसमें से? इसमें से बची तो 2 एकड़ है, लेकिन उन्होंने मौके पर कल मुश्किल से 1.25 एकड़ छोड़ी, बाकी सब में ट्रैक्टर चला दिया। तो मुआवजा आपको मिल गया? नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला। तो आपने लिया नहीं या उन्होंने दिया? ना कभी उन्होंने ऑफर किया हमें, ना हम कभी हमने लेने की कोशिश की, ना उन्होंने देने की कोशिश की। फिर आपकी फसल क्यों रोन दी उन्होंने? ये तो जबरदस्ती है, प्रशासन का ये कहना है कि किसान जो हाईकोर्ट गए थे भाई, उन्होंने रिलीफ नहीं मिली, इसलिए हम ये ले रहे हैं कब्जा। अब मैं आपको संक्षेप में सुना दूँ, सन 1980 में 136 एकड़ ज़मीन अवकार की गई थी, जिसमें से सन 1984 में 48 एकड़ ज़मीन पर फेस नंबर बन करके आवास विकास की कॉलोनी बन गई, 88 एकड़ सरप्लस मान के छोड़ दी। उस समय हम दो लोग इसके आर्डर लाए थे 31 जुलाई सन 1984 तक का, इन्होंने कहा कि जून में कब्जा लिया था, हमें ज़मीन लेनी नहीं है, आप क्या करोगे। हम उस स्टे आर्डर को कन्फर्म कराए नहीं गए, चुपचाप घर बैठे रहे, खेती करते रहे अपनी। सन 2001 में जब ज़मीन के मूल्य बढ़े तो उन्होंने कहा, नोटिस दिया कुछ किसानों को कि लखनऊ आकर अपना पैसा ले जाओ, हम ज़मीन लेने जा रहे हैं, जिसका हम लोगों ने डीएम से नेताओं से मिले विरोध किया। इतने में एक हमारे काश्तकार ने SLO आगरा में रहते थे, उनको एक चिट्ठी भेजी कि या तो हमारी ज़मीन छोड़ी जाए, जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, नहीं हमको मुआवजा दिया जाए। तो SLO आगरा ने कहा कि 2,74,00,000 रुपया मैंने आवास विकास से मांगे थे, जो आवास विकास ने आज तक मुझे 2002 तक नहीं दिए हैं। लेकिन प्रशासन ये कहता है, एक मिनट, पूरी संक्षेप, खरीदने का जो प्रोसेस है वो 84 से चल रहा है। हाँ। आप कह रहे हो हमें 2019 वाला भी था, वो दो मुआवजा, सुन तो लीजिए आप। तो इन्होंने उस समय 2002 तक कोई पैसा 88 एकड़ के किसानों का कहीं जमा नहीं किया था, ना किसी को दिया था। इतने में श्री राजाराम उपाध्याय DM से मिले, उन्होंने एक कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी हमारे पास है कि 20 साल बाद सन 1980 के रेट पर ये भूमि नहीं ली जा सकती, अगर कमिश्नर साहब को ज़मीन लेनी है तो किसानों को मौजूदा मार्केट रेट दें और दोबारा नोटिफिकेशन करें। इन्होंने वो चीज़ आई गई हो गई। उसके बाद 2005 में जब पंडारी यादव यहाँ DM बनकर आए, तब इन्होंने दोबारा फिर फाइल को प्रोसीड किया, हमें पता लगा कि अब ये फिर हमारी ज़मीन पर कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ हमको स्टे आर्डर मिल गया, टिल द डिसीजन ऑफ द केस।
वो हमको कुछ जानकारी नहीं थी इतनी कि उसी जगह पर कहाँ हमको वो स्टे ऑर्डर देना चाहिए। इन्होंने 2006 में लखनऊ से एक लेटर भेज दिया कि इस ज़मीन में किसानों का नाम डाल दिया जाए। उसके खिलाफ हम अपने वकील से मिले, वकील ने भी थोड़ा मिसगाइड कर दिया, उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिए, जबकि हमको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाना चाहिए था। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस केस के साथ साथ चलता रहा। 2010 में उस केस का निर्णय हुआ, इन्होंने 2006 में नाम डलवा दिए और किसानों से कहा कि पैसा ले ले लो, ज़मीन तो हमारी हो गई। तो इसी डर में, भय में, प्रलोभन में कुछ किसान, लगभग आधे मान लें आप, 2006 में पैसा ले आए इस 88 एकड़ का। आधे के लगभग किसानों ने अब तक कोई पैसा नहीं लिया है और तब से हम लगातार खेती कर रहे हैं। 2010 में उस केस का निर्णय हुआ कि किसान अपना प्रत्यावेदन गवर्नमेंट को दें एक महीने के अंदर, हाई कोर्ट ने कहा। उस हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से हम लोगों ने अपना प्रत्यावेदन लखनऊ सचिवालय में दिया। उसमें हमको एक महीने का समय मिला था, एक महीने के अंदर हमने प्रत्यावेदन दे दिया। उसके बाद उन्होंने एक डेट लगाई, उस हियरिंग की डेट पर हमें बुलाया गया। वहाँ यही तथ्य जो हम आपको बता रहे हैं हमने सब उन्हें बताए और वो प्रमाण भी दिखाया, एडीएम का लेटर। एडीएम ने यहाँ जांच कराई थी कि इस ज़मीन पर कब्जा किसका है, तो वो भी हमने दिखाया कि इस ज़मीन पर किसानों का कब्जा है और लगभग 50% किसानों ने कोई पैसा नहीं लिया है। उसमें उनको जजमेंट जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके हिसाब से एक महीने में प्रत्यावेदन देना था, 3 महीने में जजमेंट देना था। वहाँ के आवास सचिव ने हमारी सारी बातें सुनने के बाद ये कह दिया जजमेंट में, 1 अप्रैल को जजमेंट आया उनका कि 3 महीने बाद। हालांकि जो टाइम था उससे एक दिन बाद में जजमेंट आया कि हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, बातें आपकी सब सही है, ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब जैसे हम आपकी कोई चीज़ छीने, आपको जज बना दें तो वो जज तो हमारी सी कहेगा ना। तो उन्होंने, आवास सचिव ने न्याय नहीं किया और हमको एक महीने का समय दिया कि अपील आप कर आइए। उसमें हमारे गांव के लोग कुछ 15 दिन बाद गए, वहाँ पर 12 लोग अपील कर आए। फिर हम 5 लोग गए 12 दिन बाद, एक महीने के अंदर ही हम अपील कर आए। वो अपील हमारी हाई कोर्ट में दोनों चल रही हैं। वेस्टर्न यूपी में जब बवाल हुआ तो हाई सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक किसान राजी नहीं हुआ तब तक उसकी ज़मीन नहीं ले सकते आप। जी, तो आपने वो आदेश लगाकर बात नहीं की? हमने सारे आदेश लगाए, कल सारे आदेश लेके आए। हम आपको कानून की किताब में कानून भी दिखाएंगे कि बिना मुआवजा दिए किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं लिया जा सकता। ये तो एक प्रकार की डकैती हो गई कि हमारे खेत को मुआवजा भी नहीं दिया, हमारे गूलें, ट्यूबवेल, खेत सब तोड़ दिए गए, एक किस्म से ये डकैती है। ये जो डीएम साहब हैं वर्तमान में, इनसे आप पर्सनली नहीं मिले थे? खूब मिले थे। इनको खूब हमने समझाया। इनसे पहले जितने डीएम आए वो आवास विकास वाले अपनी फाइल लेके आते थे और जब हमें पता लगता था हम जाके अपने पॉइंट सब बताते थे, डीएम शांत हो जाते थे। और डीएम, ये डीएम एडामेंट हो गए जबरदस्ती कब्जा दिलवाने पर। इन्होंने हमारी पिछले साल कुछ नहीं सुनी, कई नेताओं से भी हमने कहलवाया तो उन्होंने कहा जल्दी स्टे ले आइए। तो हमने कहा कि ये बताइए, ये जिम्मेदारी जब वहाँ हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो हमारी भी है, आवास विकास की भी है, आवास विकास जल्दी वहाँ निर्णय करावे। तो हमारे वकील ने लगातार डेटें लगवाईं लेकिन आवास विकास के वकील वहाँ कभी डेटों पर पहुँचे ही नहीं, जिससे वो डेटें टलती रहीं। और ये जो कल कब्जा लिया है 26 तारीख की 27 अगस्त को, ये तो एट रैंडम लिया है, इस बुरी तरह से लिया है जैसे हम लोग कोई डकैत हों। ना कोई नोटिस नहीं, जैसे हम लोग कोई अपराधी हों, अपराधी को जबरदस्ती रात के 4 बजे पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है, तो हमारे साथ तो अपराधियों जैसा हिरासत में लिए थे उनका क्या किया? उनको जमानत देनी पड़ी और वो सब काशकार, वो काशकार थे जिन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। नहीं, अब ताकत उनके साथ है, कागज वो अपने हिसाब से तैयार कर लेंगे, आपकी जमीन उनके कब्जे में चली गई, अब आप क्या करोगे? अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है उसी में एक सपोर्टिंग एप्लीकेशन लगवाएंगे कि ऐसे जबरदस्ती इन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा ले लिया, केस का जल्दी निर्णय किया जाए और हमको या तो हमारी ज़मीन छोड़ी जाए या हमको
2013-14 में जो भूमि संशोधन कानून पास हुआ है उसके हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। जो अब अंडर प्रोसेस है हाई कोर्ट में उसमें कितने किसान हैं? 17। क्या डेट है? एक तो कल है। हमारी बारी 29 है ना? नहीं तो आपने बताया नहीं कि हमारा केस कागज। अरे कल किसी ने सुना नहीं, जो कागज दिखाने गए उनको बेच लेके मारने में दौड़ पड़े। ये कहा गया कानून की किताब में कानून दिखाने का समय चला गया, अब तो एक्शन का समय है। तो कल उन्होंने, मैंने अभी आपको निवेदन किया था, कल तो वो इस तरह से बर्ताव कर रहे थे जैसे हम लोग आतंकवादी या गैंगस्टर या बदमाश हूँ। हमारे लिए किसान है, किसान है, पुलिस लगा दी थी। हम लोग किसान या भले आदमी थोड़ी समझा जा रहा था, हमको तो अपराधी समझ के हमारे साथ कल बर्ताव किया गया। अफसरों ने सुनी, फिर नेताओं से किसी ने मदद नहीं मांगी? हाँ, नेताओं से टेलीफोन बात हुई, यहाँ कोई नेता था ही नहीं। और एक आदमी ने फ़ोन उठाया भी तो कह दिया हम लखनऊ में हैं, किसी ने कह दिया हम यहाँ घर पर हैं नहीं, बाहर हैं। नेता कोई मदद को नहीं आया। उम्मीद है किसी से आपको बची? ना, हमें किसी नेता से उम्मीद नहीं। ये वाला खेत किसका है? ये हमारा ही है, वो हमारी ज़मीन में लगा दी है, जो बसी हुई ज़मीन थी। ना, गलत लगाए, गलत लगे हैं। लल्ला एक मिनट हम बताएं आपको, आप इधर आओ बेटा। आप लोग सामने 1984 में जब इन्होंने 42,000 रुपये बीघा के दाम दिए थे, तब हमारे गांव में सबसे महंगी ज़मीन 4,000 रुपये बीघा बिकती थी। एक बीघा में 10 बीघा ज़मीन आती थी। आज हमारे गांव में एवरेज कीमत 35-40 लाख रुपये बीघा है, और ये 1.5-2 लाख रुपये का दाम देना चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा ब्याज लगा के। तो 1984 के रेट पर तो आज कोई चीज़ नहीं मिलती है। ये किसानों के साथ सरासर अन्याय है। और 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था, अगर वो गलत नहीं होता तो 1913-14 में नया कानून क्यों बनाया जाता? टोटल किसान कितने हैं जिनकी ज़मीन प्रभावित है? 100 के लगभग है। 100 में आधे लोगों ने मुआवजा? हाँ, लगभग 1-2% कम या ज़्यादा आधे लोगों ने मुआवजा ले लिया, आधे लोगों ने नहीं लिया। ना, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने नहीं लिया उन्हीं का नुकसान सबसे ज्यादा किया है। जिन्होंने लिया नहीं है उनका ज्यादा नुकसान किया है। उन्हें खेतों में मालूम थे, उन्होंने उन्हें को पकड़ा है, उन्हें को मार दिया, पकड़ा है कल, उन्हें भी गुमराह करके दिया गया है सब पैसा। दलाल आते थे 5 करोड़ के द्वारा 10-10% कमीशन दे के। अच्छा, जो लोग पैसा लाए थे वो भी 10% पैसा कमीशन का दे के तब लिए थे? जाँच करी जाए। हाँ, गुमराह करके साथ दिया जा रहा है कि आपको अग्रिम राशि भी मिलेगी, इस तरीके से लिखा हुआ है, अग्रिम राशि और मिलेगी।